आज हमने डिस्कस करना था इवेंट्स, सो जस्ट लाइक एचटीएमएल डोम इवेंट्स, रिएक्ट कैन परफॉर्म एक्शंस बेस्ड ऑन यूजर इवेंट। इवेंट्स वही जो हम लोग ऑन क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, इस तरह की जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। सो रिएक्ट हैज़ दिस सेम इवेंट्स एज एचटीएमएल, लाइक क्लिक, चेंज, माउस ओवर एटसेट्रा। एडिंग इवेंट्स, रिएक्ट इवेंट्स आर रिटन इन कैमल केस। ठीक है, कैमल केस, जैसे कि आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हो तो उसमें क्या होता है कि गेट एलिमेंट, तो गेट स्मॉल होगा, एलिमेंट का ही कैपिटल होगा, बाय आईडी तो बी कैपिटल होगा, आईडी का आई कैपिटल होगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कैमल केस। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग नॉर्मली लिखते हैं ऑन क्लिक, बट यहाँ पर आपको लिखना होगा ऑन क्लिक, यानी कि सी कैपिटल लेटर में आएगा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये नॉर्मल ऑन क्लिक हमारा जावास्क्रिप्ट जो हम लोग सीख रहे होते हैं, एचटीएमएल सीएसएस के साथ में हम लोग चला रहे होते हैं, लेकिन रिएक्ट में आपको इस तरह से चलाना है। सो रिएक्ट इवेंट्स आर रिटन इन कैमल केस सिंटैक्स इस तरह से, एंड रिएक्ट इवेंट हैंडलर्स आर रिटन इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कोड के अंदर अपने फंक्शन को प्रिंट करते हैं, यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है, यानी कि इवेंट हैंडलर जो जाएगा वो कर्ली ब्रेसेस में होगा। तो लाइक मेरा फंक्शन का नेम है माई फंक्शन, तो जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हो इस तरह से, रिएक्ट में कैसे लिखोगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर माई फंक्शन। ये एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो बटन पे जब हम लोग इसको कॉल करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक कैमल केस में, और इसको हम लोग यहाँ पर ला के कॉल कराएंगे, और जो भी आपने अपना फंक्शन बनाया होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। बट इन एचटीएमएल हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं ऑन क्लिक, यहाँ पर इस मिस्टेक हो गया, स्मॉल में आएगा, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, और ये स्मॉल जाएगा, कैपिटल लॉक ऑफ इस तरह से। सो एचटीएमएल किस तरह से लिखते हैं, ऑन क्लिक माई फंक्शन। सो एग्जाम्पल, पुट द शूट फंक्शन इन साइड द फुटबॉल कॉम्पोनेंट। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, एक फंक्शन बनाया विच इज़ फुटबॉल, और हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर एक और फंक्शन बनाया जिसका नेम क्या है, शूट। ठीक है, और अगर ये शूट ट्रिगर होता है तो लिखा है ग्रेट शॉट, तो हमने यहाँ पर क्या रिटर्न करा, नीचे बटन के ऊपर ऑन क्लिक शूट फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल करा है, और टेक द शॉट पर क्लिक जैसे यूज़र करेगा तो उसको ये रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो चलिए इस कोड को अपन करेंगे यहाँ से कॉपी, और यहाँ से जाके हम लोग इसको ट्राई करेंगे इसमें इंडेक्स डॉट जेएस, और सीडी लिखेंगे माय ऐप, और npm स्टार्ट। नाउ क्लिक ऑन टेक द शॉट, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेट शॉट, मतलब हमारा फंक्शन जो है वो ट्रिगर हुआ। तो इस तरह से आपको बेसिकली एक फंक्शन अगर कोई आपने बनाया हुआ है तो उसको कॉल कराना है। तो इक्वल टू इन्वर्टेड कोट, पैरेंथेसिस वगैरह कुछ नहीं कॉल होगा, सीधे नेम और यहाँ पर कॉल। अब आपने एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर जो शूट लिखा है वो स्मॉल में लिखा है। हम हमेशा ये बात करते हैं फंक्शन जब भी आप कोई नेम डिफाइन को कैपिटल में आएगा, तो ध्यान रखो ये क्या है, हम फुटबॉल के अंदर एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन बनेगा तो आप स्मॉल में लिखो, और अगर आप कंपोनेंट बना रहे तो कैपिटल से शुरू होगा। तो कंपोनेंट क्या है, फुटबॉल शूट, उसके अंदर एक फंक्शनैलिटी है तो वो स्मॉल में ही चलेगा। ठीक है, उसको कैपिटल बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट, पासिंग आर्ग्यूमेंट। मान लो कि आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है उसके अंदर, तो वो कैसे करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, यहाँ बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। टू पास एन आर्ग्यूमेंट टू एन इवेंट हैंडलर यूज द एरो फंक्शन। सो सेंड गोल एज अ पैरामीटर टू शूट फंक्शन यूजिंग एरो फंक्शन। तो हमने यहाँ पर एक फुटबॉल के नाम से बनाया है, और हमने यहाँ पर क्या दिया है, ए। ठीक है, ये हमने एक इसको आर्ग्यूमेंट सेट किया, और अलर्ट करा देंगे ए को। अब ए का डेटा कहाँ से पास होगा, जब लोग उसको कॉल करा रहे होंगे बटन के ऊपर। तो इस तरह से अब आप एक ही शूट फंक्शन के अंदर गोल हुआ या मिस हुआ जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख के ट्रिगर करा सकते हो, यानी कि फंक्शन एक, ट्रिगर के ऊपर आउटपुट अलग अलग। जैसे मान लो कैलकुलेशन, हमने लिखा ए कोमा बी, जितनी बार भी आपने टोटल करना है कैलकुलेशन में ए और बी को वैल्यू देते जाओ। तो चलो ट्राई करके देखते हैं क्या काम आता है इसका। यहाँ से डेटा चेंज करेंगे, सेव करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आउटपुट क्या आ रहा है, गोल। अगर मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया मिस्ड,
अब देखो हमने दो बना दिए जैसे, तो दो के लिए क्या होता है, हमें एक फ्रेगमेंट चाहिए होता है, यानी कि मुझे यहाँ पर इस तरह से इसको डिफाइन करके तब डेटा कॉल करना है। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, मिस्ड, और लिखा हमने टेक दी अनदर शॉट। चलो तो क्लिक, तो क्या रहा है गोल, दूसरे पर क्या रहा है, यानी कि फंक्शन एक ही है लेकिन मल्टीपर्पज़ हो गया, क्योंकि अब उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट से डेटा सेट कर रहे हैं। तो पहले वाले एग्जांपल में आपका एक ही रिजल्ट आएगा, इस वाले एग्जांपल में जितनी बार भी आप शूट फंक्शन को ट्रिगर कराओगे आप अपने हिसाब से जो भी डेटा देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिखा दिया, मैं इसको हटा देता हूँ इसमें से। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इवेंट हैंडलर्स हैव एक्सेस टू द रिएक्ट इवेंट दैट ट्रिगर्ड द फंक्शन, सो एरो फंक्शन सेंडिंग द इवेंट ऑब्जेक्ट मैनुअली। सो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया अगेन फुटबॉल, और उसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया अपना शूट, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, फंक्शन में ए कॉमा बी दो पैरामीटर हमने पास किए, और हमने बोला कि भाई टाइप बताओ, टाइप क्या है। तो एक बार हमने क्या लिखा गोल, और जब इवेंट हमारा ट्रिगर होगा तो इवेंट क्या आना चाहिए, जैसे क्लिक हुआ है तो क्लिक इवेंट पास होगा आपको, तो जब हम लोग इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये मुझे हमारा इवेंट बता देगा कि हमारा कौन सा इवेंट ट्रिगर हुआ है साथ में। ये जावास्क्रिप्ट में भी काम करता है सेम जैसे रिएक्ट में चल रहा है। सो यहाँ ये रिफ्रेश करेंगे, टेक द शॉट, तो क्या लिखा रहा है, क्लिक, हमने क्लिक इवेंट तो लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर जाकर लिख देते हैं डबल क्लिक, तो आपका डबल क्लिक आएगा उसके अंदर। तो गोल हमारा मैसेज है, किसी ने कुछ पूछा है, हाँ जी चेष्टा बोलिए। कुछ कहना चाह रहे हैं चेष्टा आप? ओके, हैंड रेज किया था ना आपने, कोई बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गोल रिटर्न नहीं आया, हमें सिर्फ इवेंट रिटर्न आया, क्योंकि हमने यहाँ पर अलर्ट में रिटर्न क्या करा है, सिर्फ बी डॉट टाइप। अगर आपको गोल को भी रिटर्न करा है तो आप ए को भी वहाँ पर लिखेंगे, तब आपका ए यानी कि मैसेज क्या हम लोग पास कर रहे हैं वो, प्लस किस तरह के इवेंट पर क्लिक कर रहा है वो, तो दोनों चीज़ आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। सो अगर आपको लग रहा है कि गोल क्यों नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पर ए को फैच नहीं कराया हुआ है। एक मिनट, तो चलो ए को भी हम लोग ट्राई करेंगे कराने का। सी इज कंफर्टेबल फॉर डिस्पैच ऑन, हाँ लिखिए ए, ये हमने इस तरह से कुछ डिफाइन किया है, और अभी हम लोग यहाँ आके इसको चेक करते हैं, टेक द शॉट, तो क्या लिखा रहा है गोल और क्लिक के ऊपर ही बेसिकली हमारा वर्क कर रहा है इसके अंदर। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको चला सकते हो, बीच में स्पेस वगैरह मेंटेन करना है तो यहाँ पर जाके स्पेस लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये थे आपके इसके अंदर इवेंट्स किस तरह से आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच करते हैं, नंबर 11, कंडीशंस। कंडीशनल रेंडरिंग आप किस तरह से करेंगे, इन रिएक्ट यू कैन कंडीशनली रेंडर कॉम्पोनेंट्स, देयर आर सेवरल वेज टू डू दिस। फर्स्ट इज इफ, वी कैन यूज द इफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर टू डिसाइड विच कॉम्पोनेंट टू रेंडर। सो एग्जाम्पल के तौर पर वी विल यूज टू कॉम्पोनेंट्स, वन इज मिस्ड गोल एंड अदर इज मेड गोल। अगर मिस्ड गोल होगा तो वहां पर मैं रिटर्न आएगा मिस्ड, अगर गोल बनेगा तो आपको गोल रिटर्न आएगा। एग्जाम्पल, सो वी विल क्रिएट अनदर कॉम्पोनेंट टू चूज विच कॉम्पोनेंट टू रेंडर बेस्ड ऑन अ कंडीशन। सो आपने दो ही अपने कॉम्पोनेंट बना लिए, एक मिस्ड का और एक गोल का है, तो हमने तीसरा बनाया लॉजिकल अपना, जिसमें लिखेंगे गोल, और हमने सेट किया प्रॉप्स। हमने एक लिखा है यहाँ पर कॉन्स्टेंट इज गोल इक्वल टू प्रॉप्स डॉट इज गोल, और हम लोग इज गोल वेरिएबल को यहाँ से बोलेंगे रिटर्न करो मेड गोल, एल्स यहाँ पर बोलो मिस्ड गोल। तो यानी कि कंपोनेंट हमने इफ और एल्स में रेंडर कराया अपने, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया मिस्ड और मेड।
और जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज करोगे कि भाई वैल्यू क्या है इस गोल की, बुलियन वैल्यू होती है ना, ट्रू और फॉल्स, तो हमने लिखा इस गोल की वैल्यू अगर फॉल्स है तो क्या आएगा, मिस, और अगर ट्रू है तो क्या आएगा, मेड गोल। चलो ट्राई मार के देखो। सो इस एग्जांपल में हमारे पास दो कंपोनेंट है जो कि कंडीशन पर आएंगे, कि जैसी कंडीशन होगी उसके हिसाब से वो कंपोनेंट पर्टिकुलर रेंडर हो जाएगा। थर्ड जो हमने यहाँ पर बनाया मेजर कंपोनेंट, जिसको हम लोग यहाँ रेंडर करा रहे हैं, इसके अंदर इनको हमने कंडीशन के हिसाब से बाइंड किया हुआ है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो मेड, अदरवाइज मिस्ड। अभी वैल्यू क्या अपने पास, फॉल्स। चलाएंगे इसको, यहाँ आइए, क्या लिखा रहे, मिस्ड। और अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ट्रू, अब आपको गोल वाला कंपोनेंट दिखाई देगा। अब इसको ऐसा समझो कि भाई आप एक यूज़र को डैशबोर्ड तक लेके जाना चाह रहे हो, तो हमने एक बुलियन में सेम एग्जांपल बना लिया, इज ऑथेंटिकेटेड, अगर ऑथेंटिकेटेड है यूज़र तो डैशबोर्ड विजिट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, तो यानी कि साइन इन साइन अप की स्क्रीन उसके सामने आ जाएगी, है ना। तो आप लोग क्या करते हो, जब PHP में कोई साइन इन साइन अप बनाते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई बंदा लॉग इन करे तो वो रीडायरेक्ट कहाँ होगा, डैशबोर्ड, लॉग आउट करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वापस से लैंडिंग स्क्रीन, यानी जहाँ से साइन इन साइन अप का हम लोग एक्शन परफॉर्म कर दें। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा, अब देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, यानी कि एंड। अनदर वे टू कंडीशनली रेंडर अ रिएक्ट कंपोनेंट इज बाय यूजिंग द एंड ऑपरेटर। सो वी कैन एम्बेड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इन JSX बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नेम क्या है, गैराज। प्रॉप्स हमने यहाँ पर अपना पास किया, प्रॉपर्टीज इसके नाम, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में जानते हैं। अब प्रॉप्स क्या है, प्रीडिफाइंड है, पढ़ चुके हैं आप उसके बारे में। हमने लिखा कॉन्स्टेंट कार प्रॉप्स डॉट कार, रिटर्न कर रहे हैं डिव टैग के अंदर H1 में गैराज। हमने लिखा यहाँ पर कार्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, अगर है तो हमारा यहाँ पर रिटर्न आएगा योर कार, यू हैव नंबर ऑफ जो भी आपकी लेंथ होगी कार की इन योर गैराज। हमने नीचे आके क्या बनाया, एक एरे बनाया कार्स के नाम से, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, मारुति, नेक्सा फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर हम लोग इसको रेंडर करा रहे हैं और हमने यहाँ पर गैराज में कार्स को वैल्यू बाइंड कर दिया। अब प्रॉप्स डॉट कार जो है, यानी कि वो इस वेरिएबल से डेटा उठाएगा, यानी कि अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपको ये मैसेज चलेगा, अगर आपके पास एरे में कुछ भी डेटा नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा। तो चलो चला के देखो, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, कार्स डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो क्या चलेगा, ये वाला पार्ट हमारा रेंडर हो जाएगा। तो जरा देखो आउटपुट क्या रहे, यू हैव टोटल नंबर ऑफ 5 कार्स इन योर गैराज। जरा चेक करके देखो, 5 वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये भी तरीका है रेंडर कराने का। और आगे चलिए, इफ का कार्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो इज इक्वेट्स टू ट्रू, द एक्सप्रेशन आफ्टर एंड ऑपरेटर विल रेंडर ट्राई एम्प्टिंग द एरे। अब जैसे हम लोग यहाँ पर एरे को खाली कर लेते हैं, हमने इसकी एक कॉपी बनाई यहाँ से, और यहाँ पर हम एरे को उड़ा देते हैं, कार को डिलीट नहीं करना है, एरे की वैल्यू को रिमूव करना है। अब आप यहाँ पर जाके देखें क्या रिटर्न आ रहा है, ओनली गैराज। अभी गैराज हमने कहाँ लिखा, कोड के अंदर ज़रा जाके नज़र डालो, है ना। पहले क्या था, गैराज के साथ में यू हैव नंबर ऑफ कार्स इन योर गैराज करके हमारा मैसेज रिटर्न आ रहा था। तो वापस से हम इसको जाके एरे को डेटा देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा रहा है, गैराज के बाद में कंपोनेंट रेंडर। तो ऐसे भी आप करा सकते हो। तीसरा तरीका क्या है, टर्नरी ऑपरेटर, पढ़ चुके हैं, यानी कि जहाँ पर हम लोग एक लाइन में इफ और एल्स को ख़त्म कर देते हैं। तो हमने क्या लिखा, अनदर वे टू कंडीशनली रेंडर एलिमेंट्स बाई यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में। तो कंडीशन होगी हमारी, वैल्यू अगर ट्रू है तो वो रेंडर हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रेंडर होगा। तो अगर ट्रू है तो गोल, अदरवाइज मिस्ड, है ना। सो वी विल गो बैक टू द गोल एग्जांपल अगेन एंड रिटर्न द मेड गोल कंपोनेंट इफ इस गोल इज ट्रू, अदरवाइज रिटर्न द मिस्ड गोल कंपोनेंट। सो सब कुछ सेम है, बस हमने इफ एल्स की जगह पर इस बार क्या यूज़ करा है, यहाँ पर टर्नरी। हमने लिखा इस गोल तो मेड गोल, अदरवाइज मिस्ड गोल। तो इस गोल की वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो आपका आएगा मिस्ड। अगर कर दोगे ट्रू तो क्या आएगा, मेड गोल। तो कोड की लेंथ घट गई है, बाकी और कोई भी चेंज नहीं है, और ये मॉडर्न उसमें देखा जाए तो बेस्ट प्रैक्टिस है। सिंगल लाइन में काम खत्म, जाएं और चेक करें आउटपुट क्या लिखा था, मिस्ड। और अगेन अगर हम उसको ट्रू से रिप्लेस कर लेते हैं तो मेड गोल, ठीक है। तो एक ही काम को करने के मैंने आपको तीन तरीके बता दिए, ठीक है, जिससे आप अपना आउटपुट लेके आ सकते हो।
नेक्स्ट नंबर 12 पर आते हैं. नंबर 12 हमारा रिएक्ट में लिस्ट. इन रिएक्ट यू विल रेंडर लिस्ट विथ सम टाइप ऑफ लूप, जो हम लोग मैप के नाम से जानते हैं, क्योंकि जनरली आप लोगों ने पढ़ रखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर लूप, वाइल, डू वाइल, फॉर इन, फॉर ऑफ, है ना. तो ES6 में जो नया अपडेट आया वो था मैप. मैप से क्या होता है, एक लाइन में लूप ख़त्म. आपको दुनिया भर की कहानी लिखने की जरूरत नहीं, कहाँ से शुरू होगा, इनिशियलाइजेशन बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ तक जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा ये बताने की जरूरत नहीं है. सो मैप से डायरेक्ट आपका काम वन लाइन में ख़त्म. तो द जावास्क्रिप्ट मैप एरे मैथड इज जनरली टू प्रेफर्ड मैथड. लेट्स रेंडर ऑल ऑफ द कार्स फ्रॉम आर गैराज. हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया एक फंक्शन कार जिसमें हमने लिखा है प्रॉप्स, रिटर्न करें आई एम ए, जो भी आपका ब्रांड नेम होगा वो आपको यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा. हमने एक बनाया फंक्शन गैराज. गैराज के अंदर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट कार्स हैं हमारी, है ना. हम क्या बोल रहे हैं भाई, इन सबको लूप करो. हु लिव्स इन माई गैराज, मैं कहता हूँ UL टैग के अंदर रेंडर कर दो LI में सबको. हमने लिखा कार्स डॉट मैप, किसको रेंडर करना है, हमने नए नाम से कार्स को, कार को, कार ब्रांड, कार का जो भी नेम है, ठीक है. तो ज़रा इसको यहाँ से एक बार चलाओ और आउटपुट चेक करके आओ क्या लिखा रहा है. आई एम ए होंडा, आई एम ए टाटा, आई एम ए महिंद्रा, आई एम ए मारुति, आई एम ए नेक्सा. ये लाइन हमने कहाँ लिखी, वन टाइम ही लिखी हमने यहाँ पर, ठीक है. कहाँ पर, कार प्रॉप्स के अंदर. और ये आपका LI जो है वो बार बार क्या हो रहा है, लूप हो रहा है, ठीक है. कहाँ से, इस जगह से, ठीक है. तो इस तरह से आपका सिंगल लाइन में लूप बन के तैयार है. और जितना भी डेटा आपका यहाँ पर बढ़ता जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ जाके लिखते थे लाइक MG फॉर एग्ज़ाम्पल, कंट्रोल एस करेंगे और MG का डेटा देखो इधर रेंडर हो गया. तो शॉर्टेस्ट टेक्निक है बिल्कुल, मतलब कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट कीज़ की बात करते हैं. अगर हमारा एसोसिएटिव फॉर्म में डेटा वगैरह रखा हुआ है, सो कीज़ अलाउ रिएक्ट टू कीप ट्रैक ऑफ एलिमेंट्स. दिस वे इफ एन आइटम इज अपडेटेड और रिमूव्ड, ओनली दैट आइटम विल बी रीरेंडर इंस्टेड ऑफ द एंटायर लिस्ट. सो कीज़ नीड टू बी यूनिक टू ईच सिबलिंग, बट दे कैन बी डुप्लीकेटेड ग्लोबली. जनरली द की शुड बी अ यूनिक ID असाइन टू ईच आइटम. एज अ लास्ट रिसोर्ट यू कैन यूज़ द एरे इंडेक्स एज अ की. तो चलें नीचे आइए. लेट्स रिफैक्टर आवर प्रीवियस एग्जांपल टू इंक्लूड कीज़. सो अब की बार हमने यहाँ पर क्या करा, कार्स के अंदर हमने लिखा ID इज़ वन, ब्रांड इज़ Hyundai. तो ID क्या हो गया, की. ब्रांड क्या हो गया, की. जेसन अगर आप लोगों ने नाम सुन रखा हो, अगर देखा हो जेसन के अंदर डेटा क्या होता है, कुछ इसी स्ट्रक्चर में होता है हमारा, कि ID, ब्रांड, जो भी आपने डिफाइन किया. जैसे मैंने आपको एक दिखाया था ना उसका ई-कॉमर्स वाला एग्जांपल, प्रोडक्ट डॉट जेसन दिखा देता. अगर मिल जाए तो बात करते हैं. प्रेस करेंगे F12. नेटवर्क रिफ्रेश. ये देखो तो यहाँ पर बना हुआ है कर्ली ब्रेस के अंदर ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइप. तो ये होता है आपका एक ऑब्जेक्ट एग्जांपल. इसको हम लोग PHP अगर आप पढ़ के आए हो तो हम लोग इसको वहाँ पर किस नाम से जानते हैं, एसोसिएटिव एरे. जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए वहाँ पर भी हम लोग इसको एसोसिएटिव एरे ही बोलते हैं. बट अभी जो आप इसका व्यू देख रहे हैं वो जेसन फॉर्म में है. तो वापस अपने एग्जाम्पल पर आइए. तो यहाँ पर ID है 1, ब्रांड है Hyundai. अब हम इसके बेसिस पर डेटा को रेंडर करेंगे. तो क्या करना पड़ेगा, हु लिव्स इन माई गैराज अगेन. तो हमने जाके लिखा कार की इक्वल टू कार ID, ब्रांड में हमने जाके लिखा ब्रांड इक्वल टू कार डॉट ब्रांड. अब क्या होगा कि जब आप इसको रन करेंगे तो आपको डेटा उसके हिसाब, आउटपुट सेम आएगा. आउटपुट में देर इज़ नो चेंज, ठीक है. आउटपुट बिल्कुल सेम रहेगा, बस इसका रेंडर करने का तरीका बदल गया. सेव करिए और ब्राउज़र में जाके चेक करिए इसको, क्या कोई चेंज है इसमें. सेम ही आ रहा है ना पहले जैसा, लेकिन पहले में और अब में डिफरेंस क्या हो गया, यानी कि जहाँ पर आपने पहले अपना डेटा इस तरह से स्टोर करके रखा हुआ था, अंडू कर देते हैं और उसको कमेंट कर देते हैं.
और नीचे आके हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले आप एक वैल्यू ही रख सकते थे हुंडई की, अब मुझे हुंडई की बहुत सारी प्रॉपर्टी अगर रखनी हो, लाइक हुंडई इज़ अ ब्रांड, प्रोडक्ट उसका जैसे हो गया लाइक एसेंट हो गया, i20 हो गया, अल्कज़ार हो गया, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ही चीज़ चलेगी, यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी की मल्टीपल एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। नहीं समझ में आया भाई? जैसे तुम चार लोग क्लास में बैठे हो, तुम्हारी सबकी पर्सनैलिटी अलग है, तुम्हारा हेयर कलर अलग, तुम्हारा स्किन टोन अलग, तुम्हारी हाइट अलग, तुम्हारी वेथ अलग, सब कुछ अलग अलग है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्म में रखता हूँ तो मैं चार ही नेम रख सकता हूँ। अगर मैं इस तरह से डिफाइन करूँ तो मैं तुम सबकी चारों की अलग अलग प्रॉपर्टीज लिख सकता हूँ, है ना? समझ आ रहा है बात? तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये आपका ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे रिएक्ट के अंदर फॉर्म बनाने की। सो जस्ट लाइक इन एचटीएमएल, रिएक्ट यूजेस फॉर्म्स टू अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द वेब पेज। एडिंग फॉर्म इन रिएक्ट, यू एड अ फॉर्म विद रिएक्ट लाइक एनी अदर एचटीएमएल एलिमेंट। सो एड अ फॉर्म दैट अलाउ यूजर टू एंटर द नेम, एंटर देयर नेम। सो हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल फंक्शन है माई फॉर्म। ठीक है, उसके अंदर हमने रिटर्न, रिटर्न के अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर जाकर हमने डिफाइन किया लेबल, लेबल है एंटर योर नेम, और हमने इसको रन करा लेना है। तो आपको एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड बन के रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर चेक करके देखो, आ गया यहाँ पर, है ना? तो क्या बदला है इसके अंदर? कुछ चेंज है? अगर मैं इस कोड को कॉपी करके अगर एचटीएमएल में डाल दूँ तो कुछ बदल जाएगा? नहीं ना, सबको सेम ही आएगा, लेकिन सिर्फ इतना चेंज आया है, यानी कि अब इनपुट जो है वो यहाँ पर क्लोज होगा। नॉर्मल एचटीएमएल में इनपुट आपका क्लोज नहीं होता, है ना? चाहे पीएचपी तक पढ़ के आए हो आप, सब जगह पर हमारा इनपुट टाइप ओपन होता है इस तरह से, बट यहाँ पर आपको जेएसएक्स होने की वजह से क्लोज करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो पूरे कोड में एरर बन जाएंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि रिएक्ट यूज़ करता है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल को, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसको क्लोज करना ना भूलें। भूल गए तो आपके कोड में एरर बनेगा, आपको भी पता नहीं क्या गलत हो रहा है। तो ये क्लोजिंग ज़रूरी है। क्या सब चला सकते हो? जो होता है सब चल जाता है। ठीक है, हम बात करें क्या डिफरेंस है। ठीक है, बाकी तो वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। सबसे तो ये पार्ट हमने क्लियर करा। सो दिस विल वर्क एज नॉर्मल, द फॉर्म विल सबमिट एंड द पेज विल रिफ्रेश, बट दिस इज जनरली नोट व्हाट वी वांट टू हैपन इन रिएक्ट। वी वांट टू प्रिवेंट दिस डिफॉल्ट वीवर एंड लेट रिएक्ट कंट्रोल द फॉर्म। सो फॉर्म को हैंडल कैसे करेंगे हम लोग रिएक्ट के अंदर? हैंडलिंग फॉर्म इज अबाउट हाउ यू हैंडल द डेटा व्हेन इट चेंज वैल्यू और गेट सबमिटेड। इन एचटीएमएल फॉर्म डेटा इज यूजुअली हैंडल्ड बाय द डोम, ठीक है, बट इन रिएक्ट फॉर्म डेटा इज यूजुअली हैंडल्ड बाय द कंपोनेंट। क्योंकि यहाँ तो डोम होता नहीं है, वर्चुअल डोम होता है। अगर डोम होता तो वो यहाँ पर दिखता, यहाँ तो दिखता ही नहीं डोम में। फॉर्म टैग दिख रहा है कुछ यहाँ पर? नहीं है ना, तो यानी कि क्या हुआ? वर्चुअल डोम हुआ। ठीक है, जिसका फिजिकल डोम होता है वो यहाँ पर पीछे दिख जाता है। तो व्हेन द डेटा इज हैंडल्ड बाय द कंपोनेंट, ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन द कंपोनेंट स्टेट। यानी कि हमारा डेटा कहाँ चला जाता है? स्टेट में चला जाता है। सो यू कैन कंट्रोल चेंजेस बाय एडिंग इवेंट हैंडलर इन द ओन चेंज एट्रीब्यूट। सो वी कैन यूज द यूज स्टेट हुक टू कीप ट्रैक ऑफ ईच इनपुट वैल्यू एंड प्रोवाइड अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ फॉर द एंटायर एप्लीकेशन। सो हुक वैसे आगे का पार्ट है, बट देख लो, इसके लिए समझने के लिए ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट कराना है अपनी स्टेट को। स्टेट प्रीडिफाइन है, यानी कि आप बस जाके लिखिए यूज स्टेट। तो इस हुक्स हमारे टोटल 7 to 8 टाइप्स के होते हैं, यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आपको हुक्स मिलेंगे इसमें। सो हमने यहाँ पर लिखा कॉन्स्टेंट नेम, और हमने क्या बोला सेट नेम, और इक्वल टू हमने उसको बाइंड कर दिया यूज स्टेट में, और बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है ये। आप डबल कोट, सिंगल कोट, दोनों में से कोई भी कोट चला सकते हो। हमने यहाँ पे जाके बोला इनपुट टाइप टेक्स्ट, वैल्यू क्या है? नेम, क्योंकि हमने इसका नेम जो स्टेट का नेम डिफाइन किया है। ऑन चेंज हमने यहाँ पे लिखा इवेंट सेट नेम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब जो डेटा यहाँ से सबमिट होगा वो इस हुक के पास होगा। तो जैसे आप देखते हो क्या करते हैं हम लोग एचटीएमएल में, एक यूज़ करते हैं नेम इक्वल टू और आईडी इक्वल टू, और जब आपका मेथड गेट पर सेट होता है ना तो आपको यूआरएल में दिख जाता है ऊपर कि आपने एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम के अगेंस्ट क्या डेटा भेजा है ना, इस तरह से।
और उसके बाद आप इसको रेंडर करा देंगे। तो अभी तो इसका डेटा आपको विजिबल नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई एक्शन एक्शन नहीं चलाते हम लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे आप लोग वहाँ लिखते हो ना एक्शन इक्वल टू यहाँ चला जाए वहाँ चला जाए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती हमें, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बन के आ जाएगा। अब सबमिट की बात करें, सो यू कैन कंट्रोल दिस सबमिट एक्शन बाय एडिंग एन इवेंट हैंडलर इन दिस सम ऑन सबमिट एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्म। तो आपने अगर जावास्क्रिप्ट में फॉर्म वैलिडेशन पढ़ा होगा तो फॉर्म टैग के अंदर आपने ऑन सबमिट भी डेफिनेटली पढ़ा होगा, है ना। सो ऑन सबमिट हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारा बटन सबमिट होता है। अगर आपका इनपुट टाइप सबमिट नहीं है तो ऑन सबमिट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सबमिट ऑन सबमिट हम लोग कब लगाते हैं, जब हमारा इनपुट टाइप नीचे सबमिट होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी, सेम रिएक्ट के अंदर भी, यहाँ पर भी। चलिए, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया अपना हैंडल सबमिट, ठीक है, और यहाँ पर हमने यहाँ अपना आर्ग्यूमेंट सेट किया इवेंट, हमने लिखा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीएचपी के अंदर भी आता है और आपका जेएस के अंदर भी होता है। क्या काम करता है, जैसे आप कई बार देखते हो कि आप कोई फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो लेकिन बीच में आपके कोई प्रॉब्लम आ गया, एरर आ गया फॉर्म के अंदर, तो वो क्या होता है, अधूरे फॉर्म को भी सबमिट करने के लिए बार बार आपको देता है कि भाई रिफ्रेश करो, फॉर्म को सबमिट कर दो, और आपने FI दबाया, आपने बटन जबकि दबाया नहीं, पुरानी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। सो बाय डिफॉल्ट मेरा आधा अधूरा फॉर्म सबमिट ना हो तो हमें क्या लगाना है, प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये जावास्क्रिप्ट, PHP, रिएक्ट और भी कोई डिफरेंट लैंग्वेज आओगे, हर जगह में लगाना होता है बिफोर सबमिटिंग योर फॉर्म। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या आएगा मैसेज कि अलर्ट द नेम यू एंटर्ड वॉज, तो जो भी नेम फील्ड के अंदर नेम लिखा जाएगा वो मुझे यहाँ पर एक्सप्रेशन में मैं कैप्चर कर लूँगा उस चीज़ को कि डेटा गया या नहीं गया। तो चलो, हमने यहाँ पर आके क्या करा, ऑन चेंज, जो पहले हमने लिख रखा था कोड सब कुछ सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। चाहो तो मैं आपको कंपैरिजन भी करा देता हूँ। अंडू करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और नीचे आते हैं। तो चलिए डिफरेंस चेक करेंगे और इसको भी हम लोग फिलहाल बंद कर देते हैं। ये देखिए, तो क्या नया ऐड हुआ है इसमें, हैंडल सबमिट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो सब कुछ सेम है, देयर इज़ नो चेंज। ऑन सबमिट पर हम लोगों ने हैंडल सबमिट को कॉल किया क्योंकि हमने यहाँ पर हैंडल सबमिट के नाम से अपने फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन, और उसको हम लोगों ने यहाँ पर एक पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट, जो भी आप बोलना चाहे बोलिए, हमने यहाँ पर इसको एक पैरामीटर दे दिया अपना। बाकी इनपुट टाइप जो आप देख रहे हो, देखो लाइन पूरा मैच हो रहा है एज इट इज़, नीचे इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर हमने सबमिट बटन का इस्तेमाल नहीं किया था, यहाँ पर हम लोग सबमिट बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं नीचे। चलिए कोड को चेक कर रहे हैं कि ब्राउज़र में जब मैं इसको कोई मैसेज देता हूँ लाइक अरीना एनिमेशन, तो सबमिट पर क्या मैं उसको कैप्चर कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो ये बता रहा है मुझे द नेम यू एंटर्ड वॉज अरीना एनिमेशन, ठीक है, तो यानी कि हम डेटा कैप्चर कर पा रहे हैं। इसके बाद मान लीजिए आपके पास मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं, जो कि एक जब आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो उसमें एक तो होगा नहीं। एक जनरली कहाँ आता है, जब हम लोग किसी पेज के ऊपर सब्सक्राइब का लगाते हैं कि सब्सक्राइब आवर न्यूज़लेटर, तो वहाँ पर वो अलग मैकेनिज्म काम करेगा। बट जब कोई आप प्रॉपर साइन इन साइन अप कराएंगे तो मल्टीपल फील्ड्स होंगे आपके पास, तो इसलिए मैं एक से ज़्यादा फील्ड के ऊपर बता रहा हूँ, आप इसके अंदर जितने मर्जी फील्ड बढ़ा लेना अपने। तो यहाँ पर क्या है, यू कैन कंट्रोल द वैल्यूज़ ऑफ मोर देन वन इनपुट फील्ड बाय एडिंग अ नेम एट्रीब्यूट टू ईच एलिमेंट। वी विल इनिशलाइज आर स्टेट विद एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट टू एक्सेस द फील्ड इन द इवेंट हैंडलर, यूज द इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम एंड इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सिंटैक्स टू अपडेट द स्टेट, यूज स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट नोटेशन अराउंड द प्रॉपर्टी नेम। सो हमने यहाँ पर आपकी बार जो फील्ड का नेम है वो ये नहीं रखा कि नेम और सेट नेम, क्योंकि भाई आपकी बार हमारे पास मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं, तो हमने रख दिया इनपुट्स और सेट इनपुट्स, ठीक है। अब आप ये कहो कि ये जो इनपुट्स या सेट इनपुट मैंने रखा है, क्या ये प्री डिफाइन है, कम्प्लीटली यूज़र डिफाइन है, संता वंता रोहन मोहन सोहन जो अच्छा लगे वो लगा लेना, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, वेरिएबल, है ना। वेरिएबल नेम ऑलवेज क्या होता है, यूज़र डिफाइन नॉट प्री डिफाइन, समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर इनपुट फील्ड को यहाँ पर इंडिकेट कराने के लिए इसका नाम रख दिया इनपुट्स, जो कि मोर देन वन है ना, और सेट इनपुट्स, और यूज स्टेट ऑब्जेक्ट हमने क्या रखा है, ब्लैंक। तो चलिए नीचे हमने यहाँ पर क्या लिखा, कॉन्स्टेंट हैंडल चेंज इवेंट, हमने जाके यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टेंट नेम इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, और उसके अंदर जो भी वैल्यू को यूज़र लिखेगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और सेट इनपुट्स के अंदर हमने वैल्यूज़ को क्या करा, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पर डिफाइन कर लिया। ट्रिपल डॉट पढ़ चुके हो, स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ाया हुआ है आपको। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
कॉन्स्टेंट हैंडल सबमिट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट और अलर्ट में जो भी यूजर इनपुट लिखेगा अपने अलग अलग फील्ड के अंदर वो सारे इनपुट्स हम लोग कैप्चर करेंगे। तो चलो इस कोड को जरा एक बार चला के देखो, क्या मैं दो फील्ड के डेटा को एक पॉइंट पर दिखा पा रहा हूँ कि नहीं। यहाँ से हम लोग ब्राउज़र में आएंगे, चेक करेंगे हमारे पास क्या, एंटर योर नेम एंड एंटर योर एज। हमने याद आके लिख दिया भाई, जैसे कि अरीना जो है, अरीना एनिमेशन, हमने इसकी एज जाके यहाँ पर डिफाइन कर दी और हमने यहाँ से बोला सबमिट। तो क्या लिखा रहा है हमें, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि मेरे फॉर्म के अंदर कितने फील्ड है, दो फील्ड है ना। अगर मैं तीसरा फील्ड अगर बना दूँ तो ऑब्जेक्ट 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 इस तरह से मुझे रिटर्न आएगा उसके अंदर। आगे देखते हैं। सो वी यूज द सेम इवेंट हैंडलर फंक्शन फॉर बोथ इनपुट फील्ड्स, वी कुड राइट वन इवेंट हैंडलर फॉर ईच, बट दिस गिव्स अस मच क्लीनर कोड एंड इज द प्रेफर्ड वे इन रिएक्ट। तो यानी कि आपको हर एक काम के लिए अलग अलग लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही लॉजिक से सभी फील्ड का डेटा कैप्चर कर सकते हो। कोड छोटा हो जाएगा, ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहेगा। नहीं तो आप यहाँ पे लिखो, जैसे कि हमारा फील्ड क्या है, नेम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्टेंट नेम सेट नेम, फिर हमारा क्या है एज, तो हम लोग लिखेंगे कॉन्स्टेंट एज सेट एज इक्वल टू यूज स्टेट। तो आपको मल्टीपल टाइम डिफाइन करना पड़ेगा, फिर मल्टीपल टाइम नीचे आके उसको हैंडल करना पड़ेगा। आउटपुट सेम आएगा, कोड की लेंथ बढ़ेगी, इनिशियलाइजेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सो इसलिए शॉर्टर टेक्निक से आपने काम चलाना है अपना। एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको रिएक्ट में अगर टेक्स्ट एरिया डिफाइन करना है तो टेक्स्ट एरिया हमें पता है एचटीएमएल में ये ओपन और क्लोज दोनों होते हैं। द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इन रिएक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी एचटीएमएल। इन एचटीएमएल द वैल्यू ऑफ अ टेक्स्ट एरिया वाज द टेक्स्ट बिटवीन द स्टार्ट टैग टेक्स्ट एरिया एंड द एंड टैग, इस तरह से कुछ। सो इन रिएक्ट द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट एरिया इज प्लेस इन द वैल्यू एट्रीब्यूट, वी विल यूज द यूज स्टेट हुक टू मैनेज द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट एरिया। तो आपको टेक्स्ट एरिया को कुछ इस तरह से हैंडल करना है। यहाँ पर यहाँ ये कॉल कीजिए इसको, तो ये देखिए हमने लिखा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पर आपको यहीं पर क्लोज कर देना सेल्फ, इन बिटवीन कुछ नहीं करना। वैल्यू लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, क्योंकि हमने इसका नेम क्या रखा है ऊपर, टेक्स्ट एरिया। ऑन चेंज पर हैंडल चेंज का हम लोगों ने अपना डिफाइन किया हुआ है, आपका ये काम करेगा। जाइए वेब ब्राउज़र में और चेक करके देखिए, आपका देखो टेक्स्ट एरिया फील्ड बन के तैयार हो गया। क्या लिखा है, द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट एरिया गोज इन द वैल्यू एट्रीब्यूट, और ये मैसेज हमने कहाँ लिखा है, स्टेट के अंदर। तो स्टेट में जो भी आप लिख देते हो वो बाई डिफॉल्ट नीचे वैल्यू में आपको डिस्प्ले हो जाता है। दूसरा देखोगे यहाँ से सेलेक्ट के लिए, अगर आपको सेलेक्ट फील्ड बनाना है और ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑन अ सेलेक्ट बॉक्स इन रिएक्ट इज ऑल्सो अ बिट डिफरेंट फ्रॉम एचटीएमएल। इन एचटीएमएल द सेलेक्टेड वैल्यू इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट वॉज डिफाइंड विद द सेलेक्टेड एट्रीब्यूट, इस तरह से एचटीएमएल में। बट रिएक्ट में हम लोग क्या कर, सेलेक्टेड का मतलब क्या होगा कि वॉल्वो आपको बाई डिफॉल्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों ने ट्राई करके देखा है कि नहीं, बट रिएक्ट में हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हाईलाइट होके आए बाई डिफॉल्ट, तो हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो कुछ छूट गया हमारा, पूरा कॉपी करिए लाइन, फिर से लिखिए, ये सब सही है। तो ये हमारा फॉर्म है जिसको हमने यहाँ पर नीचे रेंडर कराया हुआ है। यहाँ पर हमारा सेलेक्ट फील्ड है जिसके अंदर तीन ऑप्शंस हैं, फोर्ड वॉल्वो एंड फिएट। अब हम चाहते हैं कि हमारा एक बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट आए, कौन सा हम चाहते हैं, वॉल्वो। तो हमने यूज स्टेट में क्या बोला, वॉल्वो डिफॉल्ट होना चाहिए। तो जब आप यहाँ जाके देखेंगे वेब ब्राउज़र में तो आपको डिफॉल्ट क्या मिल रहा है, वैल्यू वॉल्वो, ठीक है। अब इसको ऐसा समझो सम सॉर्ट ऑफ कि भाई मेरे पास एक और फील्ड है जिसको मैंने लिखा सेलेक्ट। अब सेलेक्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम लोग ब्लैंक रखते हैं ताकि यूजर्स बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट को लेके सबमिट ना कर दे डेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, है ना। अब यहाँ से मैं वॉल्वो की वैल्यू से वापस ले लेता हूँ इस तरह से, तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखा रहा है, सेलेक्ट। मैं चाहता हूँ कि भाई कोई एक चीज़ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट आए, जो आप डिफॉल्ट चाहते हो उसको यहाँ पर जाके सिंगल कोट में मेंशन करके आ जाओ। तो देखो सेलेक्ट नहीं आएगा, वो पर्टिकुलर फील्ड आपका आएगा वहाँ पर जो आप डिफॉल्ट दिखाना चाहते हैं। तो HTML में अगर आप काम करें तो आपको यहाँ लिखना होता है सेलेक्टेड इस तरह से, तो वो सेलेक्टेड आता है। चलिए ये हम लोगों ने देख लिया,
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके बाद, बाई मेकिंग दीज स्लाइट चेंजेस टू टेक्स्ट एरिया एंड सेलेक्ट, रिएक्ट इज एबल टू हैंडल ऑल इनपुट एलिमेंट्स इन द सेम वे। तो अब इनपुट में आपके पास क्या होता है, जैसे कि पासवर्ड, ईमेल, डेट, मंथ, आपका टाइम, तो जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट इनपुट टाइप्स हैं वो सब आपके जो आपका मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट के थ्रू दिखाया है सेम ही आपका हैंडल करा जाएगा। तो जो डिफरेंट आता है वो मैंने आपको बता दिए इसके अंदर, सेलेक्ट और उससे ऊपर क्या है टेक्स्ट एरिया आपका। आगे चलते हैं फॉर्म के बाद हम आएंगे रिएक्ट के अंदर राउटर के ऊपर। अब ये राउटर क्या है, यानी कि आज आप ये समझ जाएंगे कि कैसे मुझे एक अपना पेज इसके अंदर बनाना होता है, मतलब लिंकिंग कैसे होती है चार पांच कंपोनेंट की आपस में, ठीक है। सो क्रिएट रिएक्ट ऐप, जब हम लोग कमांड चलाते हैं ना तो वहाँ पर क्या होता है आपका डजंट इंक्लूड पेज राउटिंग, यानी कि पेज की जो लिंकिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ऐप में नहीं होती, आपको अलग से डालनी पड़ती है। सो रिएक्ट राउटर इज़ द मोस्ट पॉपुलर सॉल्यूशन, सो ऐड रिएक्ट राउटर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू ऐड रिएक्ट राउटर इन योर एप्लीकेशन रन दिस इन द टर्मिनल फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी ऑफ द एप्लीकेशन। तो यानी कि अगर मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है तो मुझे नीचे आके सबसे पहले तो उसमें सर्वर को बंद कर लेना है, और ध्यान रखना ऐप के अंदर ही ये कमांड चलाना है, बाहर नहीं चलाना है। आप यहाँ से क्या बोलेंगे, npm install react router dom, ठीक है, ये कमांड आपने कॉपी करना है, या फिर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं npm install i stand for install, d बोले तो डिफ़ॉल्ट, और आपका react router dom। तो चलो यहाँ जाके इस कमांड को रन करेंगे और एंटर कर देंगे इस चीज़ को, तो ये देखो फटाफट से आपका राउटर इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, ये देखो डल चुका है आपका। तो राउटर वाली फाइल को ओपन करेंगे फटाफट अपनी, और इसको यहां पर स्पेस तो कहां गया। सो We are using React Router version 6. If you are upgrading from version 5, you will need to use the @latest flag. मतलब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आगे @latest इस तरह से, मतलब अगर पुराना वर्जन है और नए वर्जन में अगर स्विच कर रहे हो तो आप तो बाई डिफॉल्ट लेटेस्ट पे ही हो, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई पुरानी React की एप्लीकेशन आपके पास आती है तब आपको ये कमांड चलाना है उसके अंदर। अब बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर की, तो हमें यहाँ पर अपना कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है। टू क्रिएट एन एप्लीकेशन विद मल्टीपल पेजेस राउट्स, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द फाइल स्ट्रक्चर। तो हम लोग किस फोल्डर में काम करते हैं, नीचे सोर्स फोल्डर के अंदर, है ना। तो सोर्स में आपको जाके क्या कर लेना है, यहाँ से पेजेस या फिर अगर आप चाहो तो कंपोनेंट्स का नेम दे दो, कंपोनेंट्स का फोल्डर बना दो। तो हम यहाँ से पेजेस के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, नेम इज पेजेस। अब इसके अंदर आप कुछ पेज बना लो, जैसे कि लेआउट, होम, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट एंड नो पेज। ईच पेज विल कंटेन अ वेरी बेसिक रिएक्ट कंपोनेंट, जो कि हम लोग एरो फंक्शन से बना लेंगे, फिर सिंपल फंक्शन से भी बना लेंगे। सो हमने यहाँ से लिया जैसे कि लेआउट, आप यहाँ जाएंगे न्यू फाइल layout.js, इसी तरह से होम, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट एंड नो पेज, होम, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट एंड नो पेज। तो आपके सारे आगे बन गए। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो भी फाइल हम लोग बनाएंगे उसकी बिगिनिंग कैपिटल लेटर से होगी, कंपोनेंट के साथ पहली कंडीशन यही है, अगर स्मॉल में बना दिया तो नहीं चलेगा। तो ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट, होम, लेआउट, नो पेज हमने इस तरह से बना के रेडी कर लेना है। अब इंडेक्स को भी छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं जो हमने कंपोनेंट बनाने हैं। तो जैसे हमने कंपोनेंट बना लेना अपना, कंपोनेंट का हमने नेम रखना है होम, ठीक है, क्योंकि आपने होम के नाम से बना रखा है। तो एरो फंक्शन में नेम दिया होम, और हम लोग यहाँ से डेटा क्या रिटर्न कर रहे हैं, होम, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो इसको, है ना। ऐसे आपने ब्लॉग के अंदर सेम जाके लिखना है, कॉन्टैक्ट के अंदर जाके सेम काम कर लेना, सब के अंदर आपने सेम काम कंप्लीट कर, हाँ, सारे पेजेस के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ से लिया, और होम के अंदर जाके हम लोग क्या डाल देंगे, फंक्शन नेम
इज़ होम, यानी कॉम्पोनेंट नेम इज़ होम, रिटर्न कर रहे हैं होम यहाँ से, और एक्सपोर्ट बोल रहे हैं डिफ़ॉल्ट होम, क्योंकि जिस नाम से बनाया उस नाम से एक्सपोर्ट होता है, ये मैं आपको मॉड्यूल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ से इसको करेंगे क्लोज, फिर हमारे पास दूसरा क्या है, होम के बाद कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट का डेटा हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट को कॉल कर दो, एक ब्लॉक का डेटा आपको मिल जाएगा, ब्लॉक का डेटा लीजिए, इसको ला के यहाँ पर कॉल कर लीजिए। एक आपका नो पेज है, नो पेज यानी कि कस्टम 404 पेज, आप वर्डप्रेस पढ़ के आए हो सभी लोग, तो वर्डप्रेस में आपने देखा होगा एक 404 पेज रहता है आपका, अगर एलिमेंटर वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ पर हम लोग कस्टम अपना डिज़ाइन भी करते हैं, प्लस वर्डप्रेस की थीम के साथ तो आता ही आपका 404। और अगर आप स्टैटिक वेबसाइट भी बनाते हैं, जैसे आपने अभी प्रोजेक्ट वहाँ के लिए बना के भेजा है ना अपना क्रिएटिव माइंड में, तो 404 आपको स्टैटिक अपना खुद से भी डालना चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है कि मान लो कि कल को कोई URL में जाके अपना पेज ढूंढ रहा है, अगर वो पेज ना मिले तो वो मेरी वेबसाइट से बाहर ना चला जाए, वहाँ पर कस्टम मेरा पेज आना चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होता है कि यूज़र आपके प्रोजेक्ट में ही रहेगा, ऐसा ब्लैंक नहीं हो जाएगा आपका स्क्रीन एकदम से, है ना, तो लगाना चाहिए हमें। ये हो गया नो पेज। अब जो हमारा लेआउट वाला पेज है उसके अंदर हम लोग ये अलग कोड डालेंगे, और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या काम करेगा लेआउट वाला। और इसके बाद आपने जो अपना होम है उसके अंदर ये वाला कोड डालना है, ये यानी कि जो हमारा index.js है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। चलो, तो इंडेक्स में ये तो आपको पता ही है रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट राउटर जो ये रिएक्ट डोम होते हैं क्या काम करते हैं, तो सभी के अंदर हमारा रहता ही है। अब आपने अभी हाल फिलहाल में क्या इंस्टॉल किया था, रिएक्ट राउटर डोम। तो जब हमने रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल किया था तो उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल होती है, ब्राउज़र राउटर, राउट्स एंड राउट, ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारी इंस्टॉल हुई हैं। प्लस लेआउट वाले पेज में अगर आप जाओगे तो एक और चीज़ आती है आउटलेट, और दूसरी क्या आती है लिंक। ये सब हमारा रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल करने पर इंस्टॉल हो गया npm, npm बोले तो नोड पैकेज मैनेजर। अब यहाँ से इंडेक्स पर आइए, हमने क्या करा, 5 पेज बनाए थे, लेआउट, होम, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट एंड नो पेज। सबको हमने क्या बोला इंडेक्स पेज के अंदर, इम्पोर्ट करा लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर बनाया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन है हमारा ऐप, हमने इसके अंदर ब्राउज़र राउटर को कॉल कराया, उसके अंदर हमने राउट्स को कॉल कराया, और उसके अंदर हमने राउट को कॉल किया। यहाँ पर जाके हमने बताया कि पाथ इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि जैसे आपकी वेबसाइट खुलेगी तो सबसे पहले हमारा क्या लोड होगा, लेआउट। लेआउट क्यों लोड होगा भाई, तो ज़रा लेआउट पर आते हैं, ऐसी क्या चीज़ है लेआउट के अंदर। तो लेआउट के अंदर हमने क्या रख रखा है, लिंकिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जब पेज खुलेगा तो लिंक तो दिखने चाहिए ना, कि यूज़र वहाँ से कहाँ कहाँ जाएगा। इसके बाद में अगर आप नोटिस करोगे तो हमने यहाँ पर रिटर्न कराया डिफ, हमने पूरा कंटेनर यूज़ करा, नैव के अंदर हम लोगों ने UL टैग का इस्तेमाल करके सभी लिंक्स को डिफाइन किया हुआ है। एक नई चीज़ जो है वो क्या है यहाँ पर, अब ये जो आउटलेट है ये क्या काम करता है, जब यूज़र ब्लॉक दबाएगा तो डेटा आउटलेट में खुलेगा, कॉन्टैक्ट दबाएगा तो डेटा आउटलेट में आएगा, होम दबाएगा तो डेटा आउटलेट में आएगा। तो यानी कि ऐसा समझो कि आपने यहाँ क्लिक किया, डेटा इसके अंदर आ गया, तो ऊपर पेज इसलिए ना रिलोड नहीं होता रिएक्ट के अंदर, समझ गए। तो ये आउटलेट ही वो गेम खेलता है सारा का सारा, जहाँ से आपका पेज रिलोडिंग का चक्कर ही ख़त्म हो जाता है। अब आगे देखते हैं, वापस से आते हैं इंडेक्स पेज के अंदर। देखो, राउट के अंदर हमने चाइल्ड राउटिंग की हुई है, हम लोग राउट टैग के अंदर है ना। अगर आपके लिंक आपने बिल्कुल बाहर डिफाइन कर रखे हैं तब तो आपको चाइल्ड की करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है ना कि मेरा लेआउट के अंदर आउटलेट लगा हुआ है तो इसलिए मैंने चाइल्ड राउटिंग की है। समझो दोबारा से, हमने लेआउट के पेज पे ही लिंक बनाए हैं और लेआउट के पेज पे ही डेटा डिस्प्ले भी हो रहा है, तो इस हम ये चाहते हैं कि जब यूज़र क्लिक करे तो डेटा वहीं का वहीं दिखता रहे। तो हमने क्या बोला, लिंकिंग जितनी भी डिफाइन की वो हमने इसके अंदर ही डिफाइन की है लेआउट के, इसलिए चाइल्ड राउट का हमने यूज़ करा है। ज़रूरी नहीं कि चाइल्ड राउटिंग की जाए, बट हमारे एग्जाम्पल में आउटलेट यहाँ है इसलिए चाइल्ड राउटिंग होगी, अदरवाइज नहीं। इसके बाद तो डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्लैश। तो जब भी आप कोई डोमेन खरीदते हो www.xyz.com तो आगे कुछ होम पेज तो लिखा आता नहीं है, index.html या index.php तो आता नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट रूट पर क्या खुलेगा, लेआउट खुलेगा, उसके अंदर हमारे क्या होंगे, लिंक्स होंगे।
तो लिंक्स पर जब यूज़र क्लिक करेगा लाइक होम के ऊपर, तो क्या खुलेगा, इंडेक्स पेज खुलेगा, ठीक है, यानी कि इंडेक्स को हमने रेफरेंस दिया होम। अगर यूज़र ब्लॉक का बटन दबाएगा तो वहाँ पर ब्लॉक का राउट खुलेगा, कॉन्टैक्ट दबाएगा तो कॉन्टैक्ट खुलेगा, और अगर यूज़र कुछ एनोनिमस लिख देता है यूआरएल में तो फिर नो पेज चलेगा। अब ये ब्लॉग और कॉन्टैक्ट क्या है, यहाँ अगर आप आओगे तो ये मैंने देखो लिंक बना रखे हैं। अब जैसे आप लोग क्या करते हो, एक एचटीएमएल वेबसाइट बनाते हो या फिर अगर आप पीएचपी बनाते हो तो यहाँ पर जाके लिखते हो आप इंडेक्स डॉट पीएचपी, सर्विस डॉट पीएचपी, यहाँ पर ये नहीं होता। इसको आप ऐसा समझो वर्डप्रेस पढ़ गए हो, वर्डप्रेस में आप लिखते हो फाइल का नेम, लाइक ऊपर जब पेज बनाते हो होम, उसी के नीचे एक परमा लिंक आता है जिसको बोलते हैं स्लग। नहीं समझ पा रहा, प्रैक्टिकली समझाता हूँ। स्लग तो नाम सुन रखा है ना, यहाँ जाओ और लिखो यहाँ पर वर्डप्रेस। पहली बार में थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद में फटाफट चलता है। ये लीजिए, तो जैसे हमारा एक बैच चल रहा है उसमें लोग सिखा रहे हैं ऑलरेडी वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि लोकल होस्ट में वर्डप्रेस का फोल्डर है। अगर ये एक वेबसाइट होगी तो नहीं आएगा, तो आप इसको ध्यान ना दें वर्डप्रेस को। अब मान लो हम लोग होम पेज पर, तो क्या यहाँ पर मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ होम लिखा आ रहा है, नहीं आ रहा ना। लेकिन होम को छोड़ के अगर आप किसी भी पेज पर जाओगे तो लिखा आएगा, क्या लिखा रहा है, आता है ना, अगर अपने भी नोटिस के हो तो आता है। चलो तो यहाँ आते हैं और डैशबोर्ड में चलते हैं और पेज में आ जाते हैं। पेज में आने के बाद मैं होम पेज पर आता हूँ। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे, क्या हमने परमा लिंक में कोई पेज का यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है नेम, नहीं है ना। क्या लिखा रहा है, सीधे वर्ड डिफॉल्ट जब कोई यूज़र चलाएगा तो ये खुलेगा। अब जरा इसके अलावा किसी दूसरे पेज पर आओ, जैसे कि अबाउट पे आ जाओ, क्या लिखा आता है, अबाउट लिखा आ रहा है। चलो तो ये तो हमने समझ लिया। अब जैसे मान लो कि एक वेबसाइट है ANI न्यूज़, ठीक है। अब आपको अगर टास्क दिया जाए कि भाई एक न्यूज़ की वेबसाइट बनाओ, तो जैसे कि ANI में एक दिन में कम से कम 800 से 900 न्यूज़ तो आती हैं, और अप टू 1400 1500 1600 तक तो जाती हैं आराम से। कभी कुछ इलेक्शन जैसा टाइम होता है तो 2600 न्यूज़ भी चली जाती है एक दिन के अंदर, इतनी न्यूज़ आती है। अब आप मुझे ये बताओ, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका कोर्स ख़त्म होने आया है, तो आप क्या करोगे, वो 2600 जो न्यूज़ आ रही है वो पेज बनाओगे या पोस्ट बनाओगे? पोस्ट बनाओगे, वेरी गुड। पोस्ट क्यों बनाओगे, अब ये बताओ। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये जो वेबसाइट है ANI की, तो इसमें पेज कौन सा है और पोस्ट कौन सा है? पेज एक भी नहीं है, बिना पेज के पोस्ट कैसे दिखता है फिर, ऐसा पॉसिबल है क्या, बिना पेज के पोस्ट दिखाई दे रहा है? होगा ना। यहाँ पर देखो, देखने वाली चीज़ क्या है, आप यहाँ पर देखें ANINews.in URL एकदम नीट एंड क्लीन आ रहा है, यानी कि यहाँ चल रहा है इंडेक्स, ठीक है। अब जो भी इनकी टेक्नोलॉजी है, खैर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, पाइथन और जेंगो का यूज़ हो रहा है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ जाके आपको लिख दूँ इसके अंदर एडमिन, तो यहाँ पर आपको पाइथन जेंगो का डैशबोर्ड दिख जाएगा। पाइथन जेंगो क्या है, जिसके अंदर पूरा AI ML सब चल रहा है आज की डेट में, ठीक है, लिखा गया। अब मान लो कि किसी बंदे ने नेशनल पर क्लिक किया, तो नेशनल क्या है, कैटेगरी है। अब मान लीजिए कोई बंदा पॉलिटिक्स नेशनल के अंदर जनरल न्यूज़ पर क्लिक करता है, तो क्या लिखा रहा है, कैटेगरी नेशनल जनरल न्यूज़, ठीक है, क्योंकि वो उसका चाइल्ड हो गया ना। नेशनल का चाइल्ड क्या है, कैटेगरी जनरल न्यूज़। इसी तरह से एक मिनट,
बता रहा हूँ। अब आप इसको जरा पढ़ने जाओ न्यूज़ को, ठीक है, हम लोग जनरल न्यूज़ में पहली न्यूज़ पढ़ना पसंद करेंगे। अब आप देखो क्या लिखा रहा है, यूआरएल news/national/general-news, और उसके अंदर आपका न्यूज़ का नेम लिखा रहा है, लिखा रहा है ना। अब यहाँ हमारे वर्डप्रेस में आ जाओ, हमने भी कुछ ANI के ऊपर एग्जांपल दिया है, यहाँ पर नेशनल है, जनरल न्यूज़ है, पॉलिटिक्स है, फीचर है, यूज़र नेशनल पर क्लिक करता है तो यहाँ पर लिखा रहा है न्यूज़ नेशनल, पॉलिटिक्स पर क्लिक करेगा नेशनल के अंदर पॉलिटिक्स, और फीचर पर अगर क्लिक करेगा तो नेशनल के अंदर फीचर, तो न्यूज़ नेशनल फीचर। अब मान लो जनरल न्यूज़ के अंदर यूज़र ने कोई न्यूज़ पढ़ना पसंद किया तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, नेशनल जनरल न्यूज़, और उसके अंदर हमारा डेटा में डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर, है ना। तो हम बात करें URL की, जो कि हम लोग यहाँ पर देखना देख रहे हैं रिएक्ट के अंदर, कहाँ गए, इधर आ जाओ। तो आपने ये ध्यान रखना है कि भले से आपने कंपोनेंट किसी भी नाम से बनाया, ब्लॉग है, कॉन्टैक्ट है, होम है, ठीक है, तो आप जब लिंकिंग कर रहे होंगे ना तो होम को तो भूल जाओ, होम हमेशा रहता है इंडेक्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे इंडेक्स के, index.js के अंदर, कि होम जो कंपोनेंट वो एज ए इंडेक्स रेंडर होगा। लेकिन अगर ब्लॉग्स का पेज है तो मैंने इसको यहाँ पर ब्लॉग्स लिख दिया। अब आप चाहो तो इसका नाम संता वंता रोहन मनसुन कुछ भी लिख लो, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको वही लिखना पड़ेगा संता वंता। ये नहीं कि जैसे वहाँ पर होता है कि ब्लॉग के नाम से आपका पेज है तो ब्लॉग के नाम से ही लिंक करना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि राउटिंग जो होती है ना, यानी कि जो स्लग होते हैं, इधर ध्यान देने की कोशिश करो दोबारा से, ये जो स्लग है ये मैं चेंज कर सकता हूँ। अबाउट यहाँ लिखा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट यह करता है स्लग, बाय डिफ़ॉल्ट परमालिंक में यही उठा लेता है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर जाके इसका नेम संता बनता तो मुझे मना थोड़ी ना कर देगा, चलेगा, बदल दिया ना हमने, तो यूज़र को तो दिखेगा अबाउट का ही पेज है लेकिन URL क्या आ रहा होगा, ठीक है। अब ज़रा यहाँ आ जाओ, इसके अंदर फाइल को ज़रा अपडेट बोलो, और अब आप अपने किसी भी पेज पर जाइए और अबाउट पर आइए, क्या लिखा रहा है, चेंज हो गया ना। तो ये मैं आपको रिएक्ट के ऊपर बेस्ड एग्जांपल करके क्यों दिखा रहा हूँ, दोबारा समझिए, यहाँ पर ब्लॉग का पेज है, यहाँ पर ब्लॉग्स लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ब्लॉग्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्लॉग्स दिया हुआ है। अगर मैं इसके यहाँ पर कुछ भी दूसरा नेम दे दूँगा तो वही नेम आपको फिर यहाँ लिंक में चलाना है, ठीक है। इस पर ध्यान मत देना कि यहाँ मैंने किस नाम से पेज बनाया है, इससे मतलब नहीं है अपने को, ये तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है, यानी कि ये पेज लेआउट के मतलब होम के नाम से बना, होम के नाम से एक्सपोर्ट हुआ तो इंडेक्स में लाके इम्पोर्ट हो गया। यहाँ पर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या नेम चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेम जो भी आप रखोगे वो ध्यान रखना सर्च फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। देखो एक सीधी सी बात है, होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग सभी की वेबसाइट में होते हैं, तो क्या तुम इस नाम से कभी वेबसाइट को सर्च करते हो, नहीं करते ना, जब करते नहीं तो फिर लिखोगे क्यों। हमें URL क्या लिखना चाहिए, जो सर्च फ्रेंडली हो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने जब यहाँ पोस्ट देखा, ठीक है, जिसको हम लोग रीड करने यहाँ पर आए, कहाँ गया, ये है ना, तो क्या है इसका URL, दिस इज़ अ ड्रामा MP CM मोहन यादव ऑन दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल रेजिग्नेशन स्टेटमेंट, है ना। तो ये क्या एक सर्च फ्रेंडली URL है, और ये इसका सर्च फ्रेंडली क्या टाइटल है। जनरली हम लोग जब कोई वेबसाइट बनाते हैं ना तो हम लोग ऐसे टाइटल डिफाइन करते हैं, होम, सर्विस, अबाउट, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे हमारा लैंडिंग पेज जब खुलता है, हम लोग यहाँ पर अगर इस पे जाएं तो हमने होम पेज का टाइटल थोड़ा होम रख देंगे, क्या लिखा था, टॉप वास्तु कंसल्टेंट सर्विसेज इन इंडिया, ट्रांसफॉर्म योर स्पेस फॉर हार्मनी। तो ये क्या है, सर्च फ्रेंडली एक ऊपर टाइटल लगा हुआ है ना, क्योंकि होम पेज का URL तो दिखता नहीं ना कभी भी, लेकिन बाकी किसी पेज पर जाओगे, जैसे हम लोग सर्विस में आते हैं रेजिडेंशियल वास्तु, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो URL रेजिडेंशियल वास्तु है और ये रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल पूरे अपने आप में क्या है, कीवर्ड है। अब जब कोई गूगल में सर्च करेगा तो ये दिखेगा, रेजिडेंशियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु, ये क्या है, कीवर्ड स्पेसिफिक पेज के नेम है। तो पेज के नेम को ऐसे प्लान करना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से
होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कैंडिडेट, क्योंकि इस नाम से कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढेगा, क्योंकि होम सभी के पास है, तुम्हारे पास क्या नया है, मतलब तो कंफ्यूज होगा ना गूगल उस केस में। तो इसलिए जब भी हम लोग काम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है, टाइटल में तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी? आपका मिशन विजन स्टेटमेंट, आपका फोकस कीवर्ड और आपका लोकेशन। जैसे कि बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली NCR, सब कुछ आ गया, आगे ब्रांड नेम लगा देंगे अरीना एनिमेशन। तो ये क्या बन गया? एक SEO फ्रेंडली टाइटल बन गया, ठीक है। अब आपने खाली लिख दिया अरीना एनिमेशन, पेज का टाइटल जो है 250+ एंटर है अरीना के, तुम भीड़ में खो जाओगे। लेकिन अगर तुमने लिख दिया दिल्ली NCR तो तुम दिल्ली स्पेसिफिक हो गए, अगर तुमने आगे लिख दिया साउथ एक्सटेंशन तो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए। इसको ऐसा समझो ना कि भाई एक बंदे ने तुम्हें कोई कोरियर भेजना है, तो कोरियर तभी तो पहुँचेगा तुम्हारे पास कि भाई तुम पश्चिम बिहार में रहते हो। पश्चिम बिहार बहुत बड़ा है, पश्चिम बिहार में कहाँ? तो जब तक एग्जैक्ट प्लॉट नंबर नहीं होगा, पिन कोड नहीं होगा, आपका फ्लैट नंबर नहीं होगा, तो कैसे पहुँचेगा? तो वैसे ही सर्च को समझो कि एल्गोरिदम आपके कंटेंट तक बंदे को कैसे लेकर आएगा जब तक आपका वो रिफाइन नहीं होगा। एग्जांपल ऐसा समझो, भाई मेरे को जूते खरीदे, सवाल आता कौन से वाले? सर फॉर्मल की कैजुअल, ठीक है। फिर आपको जी फॉर्मल, फॉर्मल में कौन से वाले खरीदने आप, है ना। तो जब तक स्पेसिफिक नहीं होगा तब तक आपका पेज कभी भी एंड यूज़र तक नहीं पहुँचेगा, वो भीड़ में खोता रहेगा हमेशा, ठीक है। यानी कि वो भटका हुआ है, नहीं पता कि किसने उस पर आना है, उसने किसके पास जाना है। तो यही होता है SEO। ऐसे तो पढ़ के आए हो तुम लोग, वर्डप्रेस के साथ में सर ने पढ़ाया होगा तुम्हें SEO क्या होता है, गूगल एड्स क्या होता है। तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, हमने ये सब चीज़ें डिफाइन कर दी। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आएंगे और इसको हम लोग यहाँ से रन कर लेंगे। ये हमारा इंडेक्स पेज है, कंट्रोल एस, और यहाँ से हम लोग सर्वर को स्टॉप करके NPM को क्या बोलेंगे, स्टार्ट। और लीजिए आपकी एक छोटी सी वेबसाइट जो है वो बन के रेडी है। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, होम, ठीक है। मैं ब्लॉग पर क्लिक, देखो कोई लोडिंग नहीं होगा, यहाँ पर डेटा ब्लॉग आ जाएगा, आ गया ब्लॉग आर्टिकल, URL चेंज हो गया। मैंने कॉन्टैक्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर कॉन्टैक्ट आ गया। तो क्या कोई लोडिंग हो रही है? नहीं हो रही ना। इसको थोड़ा सा स्टाइल अगर आप करना चाहो तो स्टाइल कैसे करें? तो जैसे एग्जांपल के लिए लेआउट के अंदर जाइए, वेयर इज़ लेआउट, लेआउट लेआउट पेजेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग कुछ लगा देते हैं, जैसे कि HR बोले तो हॉरिजॉन्टल रूल। HR को यहाँ क्लोज करना पड़ता है, नहीं तो चलता नहीं है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। आप इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग की कोडिंग कर लोगे, ठीक है, UL टैग के अंदर, तो ये आपका और बेटर तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाएगा इसके अंदर। हाँ, CSS करना पड़ेगा। तो हमारा पर्पज है मेन कि यहाँ पर बिना लोडिंग के पेज को विजिट करने का। अब मान लो कि कोई बंदा आता है, वो लिख देता कॉन्टैक्ट्स, जैसे एंटर करेंगे आप यहाँ से क्या लिखाएगा, 404 पेज नॉट फाउंड, यानी कौन सा पेज चल गया हमारा, वो वाला पेज चल गया जो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नो 404 जो हमने कस्टम बनाया, नो पेज, इस तरह से। अब सब कुछ ठीक है, URL चेंज हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन टाइटल नहीं बदल रहा है ना। जब हम लोग जीमेल चलाते हैं तो यहाँ पर आप स्नूज पे क्लिक करते हो तो स्नूज हो जाता है ऊपर, आप इनबॉक्स क्लिक करते हो इनबॉक्स हो जाता है ऊपर। तो URL भी चेंज हो रहा है, कंटेंट भी चेंज हो रहा है, टाइटल, हमारी दो चीज़ें चेंज हो रही है बट हमारा टाइटल चेंज नहीं हो रहा। इसके लिए आपको रिएक्ट में लगाना पड़ता है हेलमेट, ठीक है। हाँ, जो बाइक पे लगाते हो वही हेलमेट यहाँ लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ जाके सर्च करोगे NPM रिएक्ट हेलमेट, तो यहाँ जाओ, ये होता है आपका हेलमेट और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने पेज के अंदर। तो ये क्या करेगा, आपको हर एक पेज का अपना डेडिकेटेड हेड सेक्शन दे देगा, यानी कि हर एक कंपोनेंट का अपना, ऐसे नहीं होता, इतना आसान होता तो सारे फ्रंट एंड डेवलपर ना होते। चलो यहाँ जाओ, लिखेंगे NPM इंस्टॉल रिएक्ट हेलमेट। लो जी, हेलमेट इंस्टॉल हो गया अपना। अब हम अपने होम पेज पर आते हैं और हम चाहते हैं भी हमारे इस होम पेज का जो है वो वेलकम पेज या जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख के आना चाहिए वहाँ पर। तो इस पेज में आपने जाके क्या करना है, हेलमेट को इंपोर्ट कराना है, ठीक है। तो चलो इसको इंपोर्ट कराएंगे। हम्म,
इसके बाद आपने हेलमेट को कॉल करा लेना है। सब एक्टिव हो गया। हमारे होम पेज का नाम क्या है? माई टाइटल। चलो ज़रा चेक करके आते हैं कि माई टाइटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ से? npm start। चलो क्या है लिखा। चलो तो दूसरे पेज पे ज़रा एक नज़र डालते हैं। कॉन्टैक्ट, और यहाँ से हम ये कहानी कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट और इसका H1 कट करके इसमें डाल देंगे। क्या छूटा? पूरा ही उठा लो। इसको एक नेम दे दो, जैसे कि ये कॉन्टैक्ट था ना, कॉन्टैक्टर्स लिख दिया हमने इसको। फिर हमारे पास क्या है? ब्लॉग्स। ब्लॉग पर आइए और यहाँ से हेलमेट कॉपी करो, इसमें कॉल करा दो टॉप में, और यहाँ से ब्लॉग आर्टिकल को कट करो, यहाँ ला के अपडेट कर दो। और कौन सा पेज रह गया? ब्लॉग हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, होम हो गया, नो पेज पे जाके डाल दो। फॉर एग्जाम्पल पेज नॉट फाउंड। चलो चेक करेंगे ब्राउजर के अंदर, फटाफट आओ रिलोड करेंगे। देखो होम पर क्या लिखा रहा है? माई टाइटल। ब्लॉग पर क्या लिखा रहा है? बदला नहीं हमने, बदलो। ब्लॉग पर कॉन्टैक्ट एज नहीं आना चाहिए, ब्लॉग आर्टिकल आना चाहिए। लिखा तो सही है ब्लॉग आर्टिकल, तो आया क्यों? अच्छा यहाँ नहीं बदला ना हमने, यहाँ बदलो। कॉन्टैक्ट का चेक करो, कॉन्टैक्ट का ठीक है। होम का चेक करो, सही है। लेआउट पे हमें ज़रूरत नहीं है, नो पेज पर सही है। अब चेक करो, तो होम पर माई टाइटल, ब्लॉग पर ब्लॉग आर्टिकल्स, कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्टर्स लिखा रहे, और यहाँ पर अगर किसी ने कुछ गड़बड़ किया तो लिखा है पेज नॉट फाउंड, इस तरह से। तो अब आपको मान लो किसी रिएक्ट के अंदर जो आप SEO सर से पढ़ के आए हो, अब वो SEO आप इसके अंदर चला सकते हो। सब कुछ आ गया ना, मैटा हेड सेक्शन बन गया ना पेज का अपना, तो इस तरह से आपने इसके अंदर काम करना है। तो आज की क्लास में आपने सीखा कि मल्टीपल पेज, या पेज हम लोग बोल रहे हैं इसको क्योंकि आपकी लैंग्वेज में, बट इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट बना के कैसे लिंक करना है, कैसे उनको चलाना है, ठीक है। तो अब आप अपनी वेबसाइट इसके अंदर बनाना स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि कैसे आप इसके अंदर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सर्वर को स्टॉप, और यहाँ पर जाके बूटस्ट्रैप चलाने के दो तरीके हैं। एक जो आप पढ़ के आए हो बूटस्ट्रैप वाली, बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी आप उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो, बट उसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब हम लोग रिएक्ट की बात करते हैं तो हम लोग फास्ट एप्लीकेशन की बात कर रहे होते हैं। तो रिएक्ट के लिए बूटस्ट्रैप अलग लिखी गई है, तो आप सर्च करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो प्रॉपर एक डेडिकेटेड पूरा इसके लिए प्रोजेक्ट अलग लिखा गया है, ठीक है। तो इसकी बूटस्ट्रैप ऐसी चलती है, कुछ अलग वाली नहीं है जो आप पढ़ के आए हो, ठीक है। बट फिलहाल जो आप पढ़ के आए हो हम उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं? गेट बूटस्ट्रैप। तो इसमें क्या होते हैं? CDN होते हैं अपन के पास,
हम जाके सीडीएन उठाएंगे यहाँ से और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे कि पहला सीडीएन क्या होता है, सीएसएस, सीएसएस को हमने कॉपी करना है, पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाके आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। क्लियर है? ये हमने सीएसएस डाल दिया और ये हमने जेएस डाल दिया, ठीक है? कहाँ डाला? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, पब्लिक फोल्डर में, इंडेक्स डॉट जेएस में नहीं डालना है। अब देखो अगर ये सही से डल चुका है तो जब आप यहाँ से सर्वर स्टार्ट करेंगे तो आपका जो आउटपुट अभी तक नॉर्मल आ रहा था ना वो बदलेगा। देखो चेंज हो गया लुक फॉन्ट का, पहले हमारा नॉर्मल लुक आ रहा था, अब देखो लुक चेंज हो चुका है। तो मैं जैसे से सीएसएस वापस मांग लूँगा ना, देखो तुरंत बदल जाएगा ये। देखो हो गया नॉर्मल, तो ये तो पता चल गया बूटस्ट्रैप लग चुकी है इसके अंदर। ठीक, कंट्रोल सी दोबारा, बहुत जल्दी जल्दी करना है, ठीक है? तो सर्वर रुक जाता है। तो ये हो गया हमारा काम। अब हम बात करते हैं रिएक्ट की अपनी खुद की बूटस्ट्रैप कैसे डाली जाए, ठीक है? तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के अंदर ये पार्ट आपका हो गया सेव, तो आप देख लेना। तो चलो यहाँ से ये वाली बूटस्ट्रैप चलाएंगे हम। तो यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड पर आपको आना है, आपने कमांड लेना है npm install react bootstrap, सर्वर को करेंगे स्टॉप और यहाँ पर आपने जाके इसको कॉल कर देना है। ये हमारी अपनी रिएक्ट की बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गई है। नेट चाहिए होगा, ये डल चुका है आपका। इसके बाद जो हमारी इंडेक्स फाइल होती है और जो हमारी ऐप फाइल होती है वहाँ पर जाके हमने इसको इंपोर्ट कराना होता है। तो देखो पढ़ोगे इंपोर्टिंग कंपोनेंट, यू शुड इंपोर्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट लाइक दिस। सो आप क्या करें, इसको ले जाके इंटीग्रेट करा के आए। तो कहाँ लिखना है, यहाँ से आपने इसको करना है कॉपी, नीचे आ जाओ। तो एग्जाम्पल स्टाइल शीट, इम्पोर्ट, तो यहाँ देखेंगे आप क्या लिखा रहा है, इंडेक्स डॉट जे एस एंड ऐप डॉट जे एस, ठीक है? तो यहाँ पर ही अवेलेबल है, तो आपको अपने उसमें ले जाके इसको कॉल करा देना है। तो चलो हम ट्राई करेंगे इसको कॉल कराने का। तो यहाँ से अपनी उठाइए सी एस एस कॉपी और अपनी इंडेक्स डॉट जे एस फाइल में जाइए। पहले देख लो कि भाई हमारा नॉर्मल वाला बूटस्ट्रैप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं बंद हुआ कि नहीं हुआ, हाँ क्योंकि हमने इसको कमेंट आउट कर दिया ना। ये देखो हट चुका है ना। अब अपनी रिएक्ट की बूटस्ट्रैप लगाते हैं। तो चलो इंडेक्स डॉट जे एस, ये हमने लगा दिया यहाँ पर। फाइल को सेव कर देना है लगाने के बाद और ब्राउज़र में आके चेक करना है, लग गया। तो ये लग गया तरीके वाला बूटस्ट्रैप जो हमें चाहिए, ठीक है? इसका इस्तेमाल करना है, किसी भी पेज पर जाओ काम कर रहे हैं। अब एक सवाल आ रहा होगा, अभी सब पे कैसे लग गया, क्योंकि सारे कंपोनेंट इंपोर्ट किस में हो रहे हैं, इंडेक्स के अंदर, एक जगह लगाना है। अभी यही काम अगर तुम पीएचपी में करोगे, एचटीएमएल में करोगे, तो आपको 10 पेज है तो 10 में जाके तुम्हें लगा के आनी पड़ती है, यहाँ पर ये ड्रामा नहीं है, ठीक है? तो इसी वजह से इसकी स्पीड भी यहाँ पर क्या होगी, फास्ट होगी पहले से, है ना? चलो तो ये समझ में आ गया। अब आप जो मर्जी इसके अंदर क्रिएटिविटी दिखाओ अपनी, ये काम करेगी। तो क्या करेंगे, तो जैसे मान लो कि आपको कहीं पर कोई क्राउजल डालना है, होम पेज पर हम लोग क्राउजल डाल के देखते हैं आता है कि नहीं आता है ना। तो चलो क्राउजल के लिए क्या करेंगे, कंपोनेंट के अंदर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्राउजल पर आते हैं, यहाँ पर स्लाइड बना हुआ है अपना, ठीक है? तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी। अब यहाँ पर आप देखो क्राउजल डालने के लिए आपको दो चीज़ें पहले इम्पोर्ट करनी है, तो इसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे। अपने वी एस कोड में आएंगे, होम पेज के अंदर आएंगे, होम पेज का नाम हमने क्या रखा है, होम, यहाँ जाओ और हेलमेट के नीचे ला के इसको कॉल कर लो।
उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से रिटर्न को छोड़ के जितना भी इसके अंदर मैटर लिखा है क्राउजल टू क्राउजल उसको कॉपी करना है और उसको ला के आपने यहाँ पर कॉल कर देना है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका स्टार्ट हो गया इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या है कि भाई जैसे क्राउजल कैप्शन है और यहाँ पर इमेज का एक दिया हुआ है, इमेज हमारा अभी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा तो ये हमें एक एरर थ्रो करेगा। देखो क्या लिखा रहा है, एग्जांपल क्राउजल इमेज कंपोनेंट के अंदर से मिसिंग है। तो ये वाला जो कंपोनेंट हमारा, तो ये कह रहा है कि कंपोनेंट के अंदर एग्जांपल क्राउजल इमेज होनी चाहिए। तो देखें जरा उसने डाल के दिए, नहीं तो फिर हम अपनी खुद की लगा के देखेंगे। तो इसे डाल के नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम अपना खुद का कर लेंगे। फिलहाल मैं एक टेम्प्रेरी इमेज डाल देता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं इसको हटा दूँगा और जहाँ पर भी हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है हम उसको हटा के लिखेंगे IMG SRC। सोर्स में हमारा 1920 400। तो क्या लिखा था, वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली, है ना। चलो चेक करते हैं क्या ब्राउजर में इमेज आई कि नहीं आई। ओए होए, इंटीग्रेट हो चुका है तुम्हारा ब्राउजर। ठीक है, ऐसे करना है। तो जो बनाना है बनाओ, अब तुम इतना पढ़ के बूटस्ट्रैप डिजाइनिंग के लेवल पर आ चुके हो। तो यानी कि अब करना क्या है कि आपने स्टैटिक प्रोजेक्ट बनाए होंगे, ऐसा सोचो कि तुमने अभी ये जो बनाया, क्या नाम था ये क्रिएटिव माइंड में जो आया था इंडोर प्लांट्स का, ये तुम्हारा रिसेंटली बना हुआ तैयार प्रोजेक्ट है। इसका नेबर अलग करो, फुटर अलग करो, बीच का एरिया अलग करो और ला के जोड़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अभी तो क्या तुमने सर एक जगह कंपाइल करके बना रखा है ना, अब सबको ब्रेक कर दो और रिएक्ट के हिसाब से उसके अंदर डेटा डालना स्टार्ट करो, तो तुम्हारा रिएक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसी को कन्वर्ट कर लो, जल्दी सीख जाओगे, टाइम कम लगेगा। तो ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। वो मैं स्टार्टिंग बता सकता हूँ, अगर ध्यान नहीं रहा दोबारा बता देता हूँ, जो भी पेज बनाया है उसी के नाम से CSS बनेगा। जैसे होम पेज बनाया तो home.css, सबका अलग अलग बनेगा। ठीक है, उसके बाद उसी फोल्डर में, उसके बाद आपने लाके उसको इंपोर्ट कराना है। आप यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसे home.css। ठीक है, ये आपने करना है। अब css आपका यहाँ आ गया। अब मान लो मुझे अपने h1 के ऊपर कुछ कलाकारी करनी है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, लिखूँगा h1 एलिमेंट। ठीक है, और मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर FCO, और ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या होगा, जब मैं यहाँ पर आऊँगा ना, लग गया CSS। अब ये तो चलो H1 था, अब हो सकता कोई टैग ऐसा पकड़ लिया, लाइक पैराग्राफ तो बहुत सारे हैं, तो क्लास कैसे लगती है। तो आपने लिखा यहाँ पर डॉट लाइक कस्टम टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, एंटर करेंगे और हमने यहाँ पर लिखा लाइक 333 मेरा कलर हो जाए। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप इसको कॉल करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर पैराग्राफ, हमने लिखा होम पेज कंटेंट गोज हेयर फॉर एग्जांपल, तो क्या लिखेंगे आप पी के ऊपर क्लास नेम एन ऐसे, क्या लिखा था हमने क्लास का नेम कस्टम, यही था ना। जरा देखो ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, आ गया। पर हमने क्या लिखा इसका कलर,
मैं इसको बोलता हूँ कि भाई बैकग्राउंड जो है वो कुछ डार्कर होना चाहिए, लाइटर हो और टेक्स्ट को डार्कर हो। देखो काम कर रहे है? अब तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं बचता इसके बाद, तुम बनाओ जो तुमने पढ़ रखा है, सारी चीज़ें इसके अंदर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा टास्क है वेबसाइट बनाना है इसके अंदर। देखो कितनी जल्दी रिएक्ट सीख गए। तो तुम्हारे लिए क्या है कि लगेगा कि भाई सर आपको तो आता है ना, हमारे लिए तो दिक्कत होगी। नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो तुम्हें पढ़ाया है वो वर्बली नहीं पढ़ाया, सारे नोट्स हमारे पास हैं हर एक चीज़ के। ऐसी तुम्हें क्लास नहीं मिलेगी, नोट्स के साथ है, किसको चलाना है, कैसे करना है, क्या करना है। आज भूल गए, 10 दिन बाद दोबारा पढ़ना है, फिर पढ़ो। एक साल बाद पढ़ने का मन कर रहा है, फिर पढ़ लो। तुम्हें ये नहीं कि भाई मैंने तो क्लास में नोट्स नहीं बनाए थे, ये नहीं हुआ था, वो नहीं था। इस टेक्निक से चलोगे, चीज़ें जल्दी पूरी होती हैं, टाइम कम लगता है। ऐसे क्या साल भर तक पढ़ते रहो, एंड थोड़ी ना होगा उस चीज़ का। अल्टीमेटली गोल क्या है, हम डिज़ाइनिंग तक आ जाएँ, सारा रिएक्ट पढ़ के हम लोग वहाँ तक आ गए। देखो मैंने पहले फंडामेंटल समझा दिया तुम्हें कि यहाँ पर क्लिक करके देखो टाइटल वाइटल कैसे बदलेंगे, सारी चीज़ें सब काम कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका काम भी हो गया, तो बस चलो अब शुरू करें अपना काम डिज़ाइनिंग का। अभी मेरे को 2-4 क्लास और लगेंगी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कराने में इसके अंदर। तुम डिज़ाइनिंग का काम अपना करके एक वेबसाइट बना लो। मैं तुम्हें फिर से कहूँगा कि API जो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, उससे कैसे काम करना है। यानी कि अभी जैसे मान लो तुमने वो वेबसाइट बनाई इंडोर प्लांट की, तो तुमने अगर 20 पौधे लगाए होंगे तो 20 बार तुमने बनाया होगा। अब मुझसे पढ़ लोगे तो तुम्हें एक ही बार बनाना पड़ेगा। जैसे पेज में बैकेंड से डेटा ले आते हो ना, लूप करा ले, तो सेम वही काम होगा। लेकिन वहाँ तो बैकेंड है, रिएक्ट में तो बैकेंड कुछ होता नहीं है, है ना। तो रिएक्ट के वैसे बैकेंड होता है, नोड होता है, ठीक है, बट तुम्हारे में नोड है नहीं, तो तुम रिएक्ट पढ़ोगे तो तुम्हारे में है नोड, तो देख लेना। अगर तुम्हारे में है तो तुम्हारे को पढ़ा दिया जाएगा भैया। बट रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि API से डेटा निकालते हैं तुम, तो वो काम हो जाएगा आपको। किसी भी टाइप की, कुछ भी जो दिल करे। हाँ, ई कॉमर्स बता दूंगा। हाँ वो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वो उस पर सब कुछ है, पढ़ वहाँ से, सब जनित में जा रही है। अच्छा हाँ बता दूँगा, वो भी हो जाएगा। अभी तुमने खुद जो उसके अंदर भेजा ना क्रिएटिव माइंड में प्रोजेक्ट अपना, ऐसे ही बना के भेजा है उसके अंदर सारी चीज़ें हमारी ना, वो हमने सिर्फ HTML से JavaScript से इतना बना दिया। मतलब हमने सारा अपनी खुद की API लिखी, सारे प्रोडक्ट उसमें डाले और बिना किसी रिएक्ट करने वैसी सेम वेबसाइट बना दी। देखते तो आज हमारा हुआ है राउटिंग तक कंप्लीट। राउटिंग के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है वो क्या है, मेमो। ठीक है, तो मैमो मैं आपको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 2 मिनट बचे, ख़त्म होगा नहीं। और नेक्स्ट क्लास से आपके हुक्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज आपने हुक्स का काम देखा फॉर्म के अंदर, नेम सेट नेम, इनपुट सेट इनपुट्स, ऐसे हुक्स आप देखोगे तो आपको रियल पावर पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने हैंडल करना होता है चीज़ों को। और उसके बाद फिर मैं आपका प्रोजेक्ट बनवा दूंगा इसके अंदर। इस महीने में तुम फ्री हो जाओगे। हाँ, मैं टाइम नहीं लगाता, फटाफट जॉब पकड़ो भाई, काम करो। पढ़ पता था, एक साल तो बैठ के पढ़ रहे हो, जब जॉब पर पहुँचे कोर्स ही दिए तो आउटडेटेड पढ़ गए हो, क्या फायदा उस चीज़ का। लेटेस्ट पढ़ के जाओ, फटाफट जॉब पकड़ो। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा, रिएक्ट में तुम्हें जॉब अगर तुम BTech BCA नहीं हो, नहीं मिलेगी। मैं लिख के बोल रहा हूँ उस चीज़ को, ये आपको तभी हो सकता है जब आप इंटरनली प्रमोट होते हो, क्योंकि जब तक आपका बैकग्राउंड टेक्निकल नहीं होगा आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपका टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। BCA करो, MCA करो, BTech करो, BE करो, जो मर्जी करो, तभी मिलेगी।
तो जॉब तुम्हें मिलेगी पीएचपी के अंदर ही, वो सीखना पड़ेगा नहीं आता तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो सब लाइव है, तो देखना रहे वहाँ जाके क्या नहीं है उसके लिए सब कुछ है। कितने? हाँ तो पूरी डिटेल में पढ़ाई हुई है भाई, ऐसे थोड़ी ना कि बस फर्जी वाड़ों की कुछ भी करा के खत्म चले। तुम्हारे पास काम ही क्या है? देखो तुम्हारी जॉब तो अभी लगनी नहीं, ये क्या चल रहा है सेप्टेम्बर चल रहा है, तुम्हारी जॉब मार्च अप्रैल से पहले लगेगी नहीं, ऐसे ही है लिखवा लो लग जाए तो। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ, ये ऑफ सीज़न है, जॉब मिलती है मई जून में जाके, यानी कि मार्च जब फाइनेंशियल क्लोज होता है ना तब स्विचिंग स्टार्ट होती है। अभी तो लग गई जॉब तो किस्मत वाली बात है कि मान लो कि तुम्हारा काम बन गया, नहीं तो बैठ के तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा और कुछ दूसरा काम नहीं है। ज़बरदस्त करके फिर पोर्टफोलियो बनाओ, अपने आप को लिस्ट करो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर और फिर अपना ट्राई करते रहो चीज़ों को, लग जाती है वेल एंड गुड, 95% चांसेस नहीं लगेगी। तुम आके घूमते रहना पूछते रहना नहीं होगा, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, नेगेटिव नहीं होना है, बी पॉजिटिव, अपना काम करो ठीक है। कल को तुम ये सोचो कि भाई सर इस महीने मेरी रिएक्ट खत्म, अगले महीने मैं जॉब करूँगा, नहीं होगा, मान के चलो नहीं होगा। ध्यान रखना है तुम्हारा गोल्डन पीरियड जो स्टार्ट होगा वो मार्च एंड से शुरू होगा और मई एंड तक चलेगा बस। अप्रैल मई जून तीन महीने होते हैं सबसे ज़्यादा स्विचिंग होती है, तभी तुम्हारी एंट्री निकलती है, इससे पहले नहीं मिलेगा। बन गई बात, और अच्छी ट्राई करते रहो ठीक है, अपने लेवल पे करोगे तो मे भी बन जाए, यहाँ के भरोसे रहो तो नहीं होगा। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, हाँ मैं क्लियर बता रहा हूँ, मेरे टच में रहना, कहीं पर आएगा तो मैं जैक लगा दूंगा तुम्हारा ठीक है, देख। लेकिन मेरे को दो चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होती है, एक चीज़ वर्डप्रेस एक्सेलेंट होना चाहिए आप लोगों का, मतलब कि तुम्हें जो भी कस्टमाइजेशन बोला जाए वो तुम्हें आना चाहिए ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब वर्डप्रेस की मिलती है, दूसरा होता है पीएचपी, तीसरा होता है डिज़ाइनिंग वाला। लेकिन जॉब पर जब जाओगे तो डेडिकेटेड रिएक्ट नहीं होगा, रिएक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है तुम्हारे काम, तो तुम्हें उतना आना चाहिए चीज़, ऐसा ना हो कि रिएक्ट दिखती है, अरे ये क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, एकदम कि ब्लैंक हो गया। अब तुम्हें पता तो चलिए रिएक्ट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैंने हर एक लाइन हर एक एग्जांपल तुम्हें जावास्क्रिप्ट से कंपेयर कराया ताकि तुम्हारे अंदर का डर निकले। हाँ अगर जावास्क्रिप्ट भी नहीं आता तो फिर कुछ नहीं होता है ना। देखो वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या है, लाइक अ पिज्ज़ा बेस एचटीएमएल ठीक है, चीज़ जो है वो सीएसएस है, उसके ऊपर जो टॉपिंग्स है वो सारी अदर लैंग्वेजेस है ठीक है ना। तो HTML, CSS, JavaScript ये तीन चीज़ें तो एक्सेलेंट होनी ही होनी चाहिए हर बंदे की, चाहे वो डेवलपर बने या डिज़ाइनर बने। क्योंकि डेवलपर बनोगे तो PHP पढ़ने के लिए JavaScript, React पढ़ने के लिए JavaScript चाहिए चाहिए ना, इसलिए JavaScript तो एकदम टॉप लेवल होना चाहिए था। कि जो तुम्हें बोला जाए तुम बना दो, दो मिनट लाओ जी बन जाएगा, क्या लगाना है वो तुम्हें बताओ।